Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 29 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 77 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 749। एक डेथ शामिल है आज की इस बुलेटिन में। 100 नॉट आउट प्रोटेस्ट हुई पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम पर। जी हाँ, पेट्रोल के रेट्स, डीजल के रेट्स और इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने ये नई मुहिम छेड़ी है जहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टेट भर में ये प्रोटेस्ट हुई जहाँ पर आप देखते हैं विजुअल्स गुलबर्गा शहर के हैं। आइए देखते हैं सीनियर कांग्रेस लीडर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। डीजल और पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए, जवाब देना नरेंद्र मोदी को पड़ेगा, क्योंकि उनकी सवाल का जवाब उनको खुद को देना पड़ेगा। उनका जो सवाल था प्रधानमंत्री बनने से पहले, उनकी सवाल को आज 7 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद जो डबल हुए हैं डीजल और पेट्रोल का रेट, इसकी जवाब नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा। सरकार ने कुछ तैयारी नहीं कर लिए, इसलिए हजारों जान चले गए। ಏನು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. धर्म सिंह फाउंडेशन और कांग्रेस पार्टी ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कई सारे को वेंटिलेटर्स डोनेट किए और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त के अंदर कभी ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी और धर्म सिंह फाउंडेशन हमेशा तैयार है। आज हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और धर्म सिंह फाउंडेशन की तरफ से जिला आडलित को हम 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए हैं। तो ये को वेंटिलेटर्स जो अमेरिका से हम लाए हैं, तो एक पेशेंट को ICU से अगर वेंटिलेटर पर अगर शिफ्ट करना है तो इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए ये जो को वेंटिलेटर्स, मैं डॉक्टर कविता पाटिल उनको भी मैं बात किया हूँ, ये जिम्स में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिम्स में 408 बेड्स है और 40 वेंटिलेटर्स हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा और ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी वहाँ पर यूज़ होगा। 600 डिसेबल पर्सन्स की हुई वैक्सीनेशन। जिसे हाल ही में आपने देखा कि वैक्सीनेशन ड्राइव के अवेयरनेस कैंपेन चल रही थी विकलांग लोगों की, सभी डिसेबल और उनके फैमिली मेंबर्स का ये वैक्सीनेशन हुआ टाउन हॉल कॉरपोरेशन के, जिसमें आप देख सकते हैं कि DC VP ज्योत्सना जी ने मीडिया को बात बताते हुए कहा, साथ साथ कॉरपोरेशन स्नेहल ने बताया कि किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव इंपॉर्टेंट थी और लोग आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। इस मौके पर DHO ने भी मीडिया से बात करते हुए ये अहम बातें बताई। Today in Gulbarga city, we are taking a special drive to vaccinate people with physical disabilities and the members of their families also. We have seen in rural areas there is a lot of apprehension among the people to accept the vaccine, but in urban area, especially our people who are physically challenged, they came out with a lot of enthusiasm. अब तो बहुत है हमारे पास, कल भी बहुत, लगभग हमें 20,000 का स्टॉक मिला है, तो अभी कंफर्टेबल है तो लोग आके ले सकते हैं। सिटी टाउन हॉल में हम लोग ने एक फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप लोगों के लिए एक वैक्सीनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है और ये लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं बिकॉज एक डेफिनेटली एक फियर है हम लोगों में कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बट मैं ये कहना चाहूँगा जब हमारे दिव्यांग फ्रेंड्स जो है वो हमारे वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सिटी में, पूरे सिटी में हमने 2 बसेस अरेंज किए, 2 बोलेरोज अरेंज किए, जहाँ से भी लोग आना चाहिए वो बस का यूज़ करके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं और वैक्सीनेशन ले सकते हैं। स्पेशली फिजिकल हैंडीकैप के जो लोग उनके वास्ते हम जो स्पेशल इम्यूनाइजेशन एक कैंप रखे हुए हैं, इसमें एक खुशी की बात है कि सभी फिजिकल हैंडीकैप के जो भी हमारा भाई बहन है वो बहुत उत्तेजित से इधर आके वो वैक्सीनेशन के लिए आए। ये सब लोग जो है ना, दूसरे जो नहीं ले रहे उनको रोल मॉडल बन के उनको भी एक आने के लिए उत्तेजना कर रहे। पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है गुलबर्गा शहर के अंदर, नई ट्विस्ट और टर्न्स हमेशा आते जा रहे हैं। इस बार यूनुस खान KTS इस बात का हिस्सा बने हैं। यूनुस खान KTS ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, सभी कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर, एस्पिरेंट्स और जिम्मेदार लोग इसमें शामिल थे। मामला ये है कि यूनुस खान KTS कह रहे हैं कि किस तरह से वो नाराज़ हैं कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेशन इलेक्शंस के अंदर वो इंडिपेंडेंटली लोगों को सपोर्ट करेंगे और जिस किसी को भी कंटेस्ट करना हो या सपोर्ट लेना हो तो यूनुस खान KTS तैयार हैं। यूनुस खान KTS ने अभी नहीं बताया कि वो किस पार्टी की तरफ अपना इंक्लिनेशन रखे। आने वाले वक्त में देखना होगा कि यूनुस खान KTS के साथ साथ जो टीम यहाँ पर तैयार हुई है वो क्या डायरेक्शन लेगी।
ये जो बीजेपी सरकार मुस्लिम हिंदू जो लड़ा रही वो सब मेरा एम नहीं है, मेरा सेकुलर जहन है और सेकुलर के हिसाब से मैं चलने वाला हूँ। ऐसा मेरा मुसलमान ही होना नहीं, ऐसा खाली हिंदू नहीं होना, सब कास्ट को लेकर चलने का मेरा है। ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन से मेरे से क्या फ़ायदा होता है, तो मैं आप मेरे से फ़ायदा ले सकते। आने वाले फ्यूचर इलेक्शन में मैं इंशाल्लाह लड़ने वाला पक्का हूँ, इंडिपेंडेंट जनता दल कांग्रेस। कब से लोगों कन्फ्यूजन है वीकेंड लॉकडाउन है या नहीं, आप सबको बता दें एक बेसिक बात कि 14 जून से पहले का ऑर्डर तो ऑलरेडी आ चुका था, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू भी था और साथ साथ लॉकडाउन की टाइमिंग्स भी। अब जो ऑर्डर आया है वो 14 जून से लेकर 21 जून तक आया है, जिसके अंदर एसेंशियल की टाइमिंग को बढ़ाया गया है 6 से लेकर 2 बजे तक। उसके अलावा कई सारी चीज़ों को अनुमति मिल चुकी है, लेकिन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स दुकानों के लिए अभी अनुमति नहीं आई है। जैसे डीसी वीवी जोशना जी और इंचार्ज मिनिस्टर मुरुगेश निराणी जी कुछ बताते हैं तो ज़रूर हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे। gohaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट gohaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय केवीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।